कुछ कुछ इस तरह से बहुत दिनों से दिमाग में चल रहा था, लेकिन अभी हाल में ये फिर से उठा। वो प्रोफेसर देसी राजू से जब हम बात कर रहे थे बैंगलोर में, तो उन्होंने ये दो शब्द का इस्तेमाल किया और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। अब वो इसकी कोई क्लासिकल डेफिनेशन है या एग्जैक्टली देसी राजू जी कैसे इसको देखते हैं, वो मैं दावे के साथ नहीं कह सकता, लेकिन मेरे दिमाग में जो चल रही थी जिससे इस बात का कनेक्ट हुआ, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। मेरे हिसाब से कॉम्प्लेक्स सिस्टम एक मोर और लेस नेचुरल सिस्टम है। मतलब नेचर में जितने भी सिस्टम है, चाहे वो वायु परिवर्तन का सिस्टम हो, मौसम बदलने का सिस्टम हो, पेड़ पौधों का, वनस्पतियों का सिस्टम हो, पशुओं की कोई जनसंख्या बढ़ती घटती रहती है, और भी बहुत सारे उनका जो रिलेशनशिप है प्रकृति के साथ, दूसरे उसके एस्पेक्ट्स के साथ, उनके दूसरे अवयवों के साथ, ये जितना भी है इसमें एक सिस्टम तो है, ये हमको दिखाई देता है। वो सिस्टम जो है वो हमेशा एक जैसा, परफेक्टली एक जैसा, यानी उसमें कोई बिना बदलाव के होता रहता हो ऐसा नहीं है, उसमें परिवर्तन होते हैं। जैसे मौसम का ही सबसे अच्छा उदाहरण है ना, कि मौसम गर्मी के बाद बारिश आती है, बारिश के बाद सर्दी आती है, फिर अपना बसंत ऋतु आती है, या 6 ऋतुओं को ले वो एक के बाद एक आती है, उसका क्रम वही रहता है। लेकिन वो एग्जैक्टली कब आएगी ये कोई वो नहीं है, वो उसमें थोड़ा 10 20 15 दिन का इधर उधर हो सकता है। जैसे हम आषाढ़ सावन भादो को बारिश की मौसम वो मानते हैं कि ये 3 महीनों में यहाँ पे भारत में बारिश होती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आषाढ़ के पहले ही तारीख को बारिश शुरू हो जाए और भादो के आखिरी तारीख तिथि को बारिश खत्म हो जाए, उसमें आगे पीछे चलता रहता है, कभी ज्यादा कभी कम, लेकिन ये क्रम है और उसमें एक सीमा के अंदर ये चलते रहता है। यानी अतिवृष्टि होगी, अनावृष्टि होगी, उसकी एक सीमा के अंदर होगा और वो अपने आप कहीं ना कहीं उसमें फिर से संतुलन आ जाता है। तो ये हमको नेचर में दिखाई देता है एक तरह का एक सिस्टम, जो एकदम एग्जैक्टली वैसा का वैसा हर समय चले ऐसे नहीं, मशीन की तरह नहीं चलता है, कि मशीन का जो सिस्टम होता है वो एग्जैक्टली वैसे के वैसे चलेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, अनलेस की मशीन खराब हो जाए। इसमें वो हमेशा चलेगा, पर उसमें 19 20 होती रहती है, एक सीमा के अंदर घटता बढ़ता रहता है, लेकिन उसमें एक लय भी दिखाई देती है, एक एक क्रम क्रम भी दिखाई देता है। और दूसरा इसमें दिखाई देता है कि ये कुछ सेल्फ रेगुलेटिंग है, इन द सेंस कि उसमें कुछ कम होगा तो एक हद से ज्यादा कम नहीं होगा, बढ़ेगा तो एक हद से ज्यादा नहीं बढ़ेगा, ऐसा उसमें कुछ दिखाई देता है कि एक सीमा के अंदर वो वेरिएशंस होंगे, उस सीमा के बाहर वो नहीं जाएगा, बहुत कम जाएगा ऐसा कहें। और वो सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब उसमें सेल्फ करेक्टिव मैकेनिज्म है। इस तरह की कुछ बात इसमें दिखाई देती है नेचुरल सिस्टम में, और वो ऑर्गेनिक है, वो नेचुरल है, वो सेल्फ सेल्फ रेगुलेटेड है, सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड है, और वो उसमें वो उसका बाहर उस सिस्टम के बाहर का जो भी है उसके साथ उसका एक हार्मोनियस टाइप ऑफ रिलेशनशिप है, एक अलाइनमेंट है, और ये स्वचालित होता है, ऐसा मुझे कुछ दिखाई देता है कॉम्प्लेक्स सिस्टम में। ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम फिर हमको लगता है भारतीय सभ्यता ने, या जितनी भी पेगन रिलीजन्स जिसको कहते हैं, या दूसरी तरह की जो ट्रेडिशनल ट्रेडिशंस रही हैं दुनिया भर में, उसमें इसकी ये दिखाई देता है कि वहां पे उन्होंने अपने जीवन को, अपने मतलब अपने जीवन को माने मनुष्य ने जो अपनी व्यवस्थाएं बनाई, अपने लिए जो कुछ किया, उसमें शायद इससे सीख करके वैसी कुछ व्यवस्था बनाने का प्रयास किया, ऐसा दिखाई देता है, क्योंकि उनकी इस तरह की व्यवस्था दिखती है। उसका एक उदाहरण कुंभ मेला है, या बाकी हजारों मेले जो परंपरा से चले आ रहे हैं इस देश में, वो इस तरह के कुछ लगते हैं। वो सेल्फ रेगुलेटेड है, सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड है, और उसमें अब उस पर्टिकुलर इवेंट या उस चीज में, कुंभ मेले जो हो रहा है 40 50 दिन का, उसके बाहर जो समाज से या और चीजों से जो उसका संबंध है, वो एक सामंजस्य का, समन्वय का है, उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं दिखाई देता। तो ये एक इस तरह का एक सिस्टम है, इसको कॉम्प्लेक्स सिस्टम कहा गया। कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को मैं जो समझता हूं
वो अननेचुरल सिस्टम है। और जो अगर हम लोग जो आधुनिकता की बात करते हैं तो मुझे ये लगता है कि आज की आधुनिकता में वो सिस्टम हावी है हमारे ऊपर, वो बाहर से इम्पोज किए हुए सिस्टम है जिसकी कहीं ना कहीं जिसका संबंध उन सिस्टम्स का संबंध आधुनिक संविधान की जो पूरी सोच शुरू हुई जहां से, वो उससे मेल खाता है। मतलब संविधान से ये सिस्टम निकले हैं ऐसा कह सकते हैं। वो संविधान के पीछे जो सोच है, आधुनिक संविधान के पीछे और आधुनिक सिस्टम के पीछे जो सोच है, इनमें कहीं ना कहीं एक एक दिखाई देता है, इसमें एक साइनर्जी दिखाई देती है। ये सिस्टम बाहर से इम्पोज्ड है। अब जैसे आज के आप शिक्षा का सिस्टम देखें कि इसमें कोई बोर्ड होगा, उसमें कुछ नियम कानून होंगे, उसके अंतर्गत टीचरों का प्रोफेसरों का अपॉइंटमेंट होगा, उसमें कोई पर्टिकुलर काइंड ऑफ सिलेबस होगा, उसमें मूल्यांकन के एक पर्टिकुलर तरीके होंगे। ये उसके सिस्टम के चीजें हैं जिसके अंदर आपको उस शिक्षा को करना होगा। ये बाहर से इम्पोज है। और अगर आप मैं कल्पना करता हूँ जैसे ब्यूटिफुल ट्री में जो धर्मपाल जी ने निकाला खोज करके कि भारत में इतने बड़े स्तर पर शिक्षा होती थी, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता। वो सेल्फ ऑर्गेनाइज जैसे दिखाई देते हैं क्योंकि वो कोई एक बड़ी मतलब स्टेट इम्पोज्ड सिस्टम के तहत वो स्कूल्स नहीं चल रहे, वो स्कूल समाज द्वारा चल रहे हैं। और एक एक गांव का जो स्कूल है और दूसरे गांव का जो स्कूल है, वो लोगों के बीच में एक सामंजस्य तो है, लेकिन उसमें कोई एक अथॉरिटी के अंदर ये दोनों स्कूल चल रहे हो ऐसा नहीं है। वो अपने दोनों की अपनी अपनी स्वायत्तता है, तो ऐसा कुछ लगता है। और तो वो शायद सेल्फ ऑर्गेनाइज जैसा कुछ था, उसमें पैसे भी बाहर से नहीं आ रहे थे उसको चलाने के लिए, वो स्वचलित है, गांव समाज ही उसको चला रहा है। तो वो एक जैसा समाज चल रहा है उसके साथ ये स्कूल का एक हारमोनी में चल रहा है। मतलब ये स्कूल कोई अलग थलग चीज है और समाज कुछ अलग थलग चीज है ऐसा नहीं है। लोगों का रहन सहन ले लो, उनकी लाइफस्टाइल ले लो, उनकी तौर तरीके ले लो, स्कूल के तौर तरीके ले लो, इसमें बहुत इसमें कोई भेद नहीं है, एक ही जैसा है और बहुत सहज ढंग से वो चल रहा है, उसमें समरस होके चल रहा है ऐसा दिखाई देता है। तो ये उस टाइम का सिस्टम और आज का सिस्टम। आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो घर अलग, स्कूल अलग, घर अलग, कॉलेज अलग, बहुत उसमें एलियनेशन है, सेपरेशन है और कई कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये बाहर से इम्पोज सिस्टम्स है ऐसा मुझे लगता है। तो ये जो अभी और ये बात हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा मुझे लगता है कि हम लोगों को थोड़ा इस पे चिंतन करना चाहिए कि वो क्या कंडीशंस होती है, क्या प्रोसेसेस होते हैं, किस तरह की चीजें होती हैं जिससे कि इस तरह के कॉम्प्लेक्स सिस्टम समाज में पनप सकें या चल सकें या उनको चलाया जा सके, ऐसा कुछ किया जा सकता है क्या इस पर मेरा, क्योंकि ये दोनों में अगर तुलना की जाए तो ये बेटर सिस्टम है, ये ज्यादा सहज सिस्टम है। तो इसमें अगर हम देखें इसको तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, अगर सिर्फ शिक्षा के ऊपर अगर ध्यान हमारा रहे तो ये जो नया वाला सिस्टम है वो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटेरियन, उसको हम इनएफिशिएंट भी कह सकते हैं क्योंकि वो टॉप डाउन है, मतलब कोई ऊपर से चला रहा है और पूरा कंट्रोल के ऊपर बेस्ड है बेसिकली। और कंट्रोल तो एफिशिएंटली हो नहीं सकता, अगर लार्ज स्केल आपको कंट्रोल करना है तो बड़ा प्रोजेक्ट है, तो बहुत सारा एनर्जी वेस्ट हो रहा है उसमें। जबकि हम जिसको कॉम्प्लेक्स सिस्टम कह रहे हैं या नेचुरल सिस्टम कह रहे हैं उसमें एक तरह ये सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग है, उसमें दी यूज ऑफ एनर्जी इज लेस। आपको ये अथॉरिटेरियनिज्म, ये कंट्रोल की जरूरत नहीं है, तो बेसिकली एफिशिएंसी बढ़ जाता है शायद उसमें। तो दीज आर ऑल्सो कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स आर ऑल्सो मोर एफिशियंट सिस्टम्स, ऑल्दो इट सीम्स लाइक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स विल बी मोर एफिशियंट बिकॉज यू हैव गॉट कंट्रोल ओवर इट, बट इट्स इम्पॉसिबल टू हैव कंट्रोल एट अ लार्ज स्केल। सो देयरफॉर कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स आर इजियर, लेस एनर्जी कंज्यूमिंग, यू नो, मोर यूजफुल, मोर कनेक्टेड टू लाइफ,
तो ये एक आप जो कह रहे थे ये ख्याल आया। इसमें दो उदाहरण और हम लोग ले सकते हैं कि जैसे अगर हम एटम को देखें, परमाणु को देखें जो कि सबसे फंडामेंटल चीज है, तो परमाणु में क्या हो रही है कि जो परिवेशीय अंश न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमती है तो वो भी एक परफेक्ट जो है सर्किल में नहीं घूमती है, कभी पास आ जाती है कभी दूर चली जाती है, और है ना। पर इतना के बावजूद भी ऐसा नहीं होता कि वो निकल के कहीं दूर ही भाग गया जो है, तो एक नियंत्रण भी है लेकिन वो नियंत्रण जो है वो कॉम्प्लेक्स है, जो है वो लिनियर नहीं है उसी। और ये एक बहुत छोटे स्केल पे हुआ, और इसी को बड़े स्केल पे देखें तो सौर मंडल को अगर हम देखें तो धरती जो है वो सूरज के चारों तरफ घूम रही है, उसमें भी ऐसा नहीं है कि हर समय एकदम उसकी दूरी जो है बराबर ही होती है, वो भी कभी कम होती है कभी ज्यादा होती है, पर इतना होने के बावजूद भी धरती जो है वो सूरज की कक्षा से बाहर नहीं चला जाता है कभी भी, ऐसा करोड़ों सालों से हो ही रहा है। तो बिल्कुल, तो प्रकृति में कॉम्प्लेक्स सिस्टम दिखाई तो देता ही है, सब जगह दिखाई देता है, और जो लिनियरिटी है और जिसको कि आप कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम कह रहे हैं वो मानवकृत ही चीजों में दिखता है। जैसे पंखा है, आप पंखा जरूर आप उसको रेगुलेट करके एकदम उसी स्पीड पे आप चला सकते हो, लेकिन आप कहें कि भाई धरती को आप वैसा कर दो तो वो संभव नहीं है, वो तो एक अलग ही सिस्टम है। तो ऋतुओं का जैसा आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि छह प्रकार की ऋतुएं भारत में होती हैं, अब वो ठीक है कभी थोड़ा पहले भी बारिश आती है कभी बाद में आती है, पर ओवरऑल जो है उसमें एक नियंत्रण है, स्व नियंत्रण है। एक्चुअली कॉम्प्लेक्स सिस्टम थोड़ा बहुत मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ, लेकिन उनका मतलब कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम से क्या है ये मुझे अभी पता नहीं चल रहा। जिसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं वो थोड़ा सिंपलिस्टिक सिस्टम लगता है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स सिस्टम तो मैं इमेजिन कर सकता हूँ। जैसे एक फॉरेस्ट है, एक फॉरेस्ट एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है इन द सेंस कि जितना डाइवर्स होगा फॉरेस्ट उतना ही स्टेबल होगा फॉरेस्ट। जितना डाइवर्स होगा मतलब जितने डाइवर्स कंटेस्टेशन होंगे फॉरेस्ट में उतना ही फॉरेस्ट स्टेबल होता जाएगा, और जितना यूनिफॉर्म होता जाएगा फॉरेस्ट उतना ही अनस्टेबल होता जाएगा फॉरेस्ट। इसको अगर कॉम्प्लेक्स सिस्टम कह रहे हैं तो ये बात मुझे समझ में आती है कि भाई डाइवर्सिटी ब्रिंग्स जंगल stability. है वो जंगल जो है वो तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, लेकिन ये जो फॉरेस्ट जिसको तुम कह रहे हो जैसे कि पाइन फॉरेस्ट ये अंग्रेजों ने लगाए, जैसे यहाँ पे जब अच्छा, चलेगा मैं तो जंगल कह रहा था वन कह रहा था। हाँ वन तो कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये जैसे पाइन फॉरेस्ट नाम सुना हाँ। होगा तुमने कि ये पाइन फॉरेस्ट है, ये यूकलिप्टस का फॉरेस्ट है, ये टीक फॉरेस्ट है, ये इन्होंने लगाए, ये कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, ये स्टैंडर्डाइज कर दिया है ना। अब उसको कॉम्प्लिकेटेड क्यों कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा मुझे। नहीं सिंपलिस्टिक जस्ट अ वर्ड, इट्स जस्ट अ वर्ड, तुम कॉम्प्लिकेटेड से जो अर्थ निकाल रहे हो वो नहीं, इट्स जस्ट टू सिस्टम्स, वन इज मैं तो इसीलिए मैंने कहा कि उसका क्लासिकल डेफिनेशन क्या है मुझे नहीं पता है, या है भी कि नहीं है ये भी नहीं पता है, लेकिन ये मॉडर्न सिस्टम्स को ही हम लोग कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स कह रहे हैं जो बाहर से इम्पोज है, जो नेचुरल नहीं है। जो अब कुंभ मेला को हम नेचुरल बोल रहे हैं, मतलब उस सेंस में तो कुंभ मेला भी उस सेंस में नेचुरल नहीं है क्योंकि आदमी का ही बनाया हुआ होगा या आदमियों का बनाया होगा, पता नहीं उसकी क्या प्रक्रिया रही है, वी हैव डन नो रिसर्च ऑन इट कि ये कहां से कब से है चल रहा है और कैसे चला और कैसे उत्पत्ति हुई, इसका कोई हमारे पास तो कोई साहित्य मुझे नहीं मिला है, होगा तो भी, लेकिन इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं क्योंकि इसमें कोई चलाने वाला नहीं है, इसको कोई एक व्यक्ति या एक संस्था ऐसा कुछ नहीं लगता है, इसमें बहुत लोगों की भागीदारी है और स्वतः चल रहा है, अपनी ही ऊर्जा से चल रहा है, मैं उस पे बाहर से पैसे आ रहे हो बाहर से नियम कानून ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ मैं उस पर आ रहा था अभी, मैं जो कह रहा था कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम से मुझे लगता है वो सिस्टम है जिसमें डाइवर्सिटी आती है तो और स्टेबल बन जाता है वो, और जैसे स्टैंडर्डाइजेशन आता है अनस्टेबल हो जाता है एक। दूसरा ये जिसको
कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम कह रहे हैं प्रोफेसर देसी राजू, ये शायद ये अब्राहमिक उससे आता है कि एक क्रिएटर गॉड है, उसने कुछ कमांडमेंट दिए हैं और उस कमांडमेंट को लेके चलना है, उसी का ये रूप है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ दिया हुआ है तो एक किताब को फॉलो करना है। जबकि जो एक कुंभ मेला है या जो ये बाकी मेले हैं, इसमें कोई एक किताब, कोई कमांडमेंट, कोई रूल बुक नहीं है, है ना। ये मतलब तो ये जो मॉडर्न सिस्टम है ये कहीं ना कहीं किताब कमांडमेंट वाले सिस्टम मुझे लगते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन भी एक तरह का आधुनिक कमांडमेंट का ही वो है कि भाई इसको फॉलो करना है आपको। और जैसा हमारा इंडिया का एक्सपीरियंस है वो तो उससे चीज़ें और उलझी गई हैं, कुछ सुलझी हुई वो चीज़ें, मतलब कानून पे कानून पे कानून बनते जाते हैं, वैसी चीज़ और उलझती जाती है, तो शायद उससे कॉम्प्लिकेटेड बन गया है सिस्टम। और एक बड़ा फर्क ये भी है कि जैसे कि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को सस्टेन करने के लिए बहुत ऊर्जा लगातार आपको उसमें जो है मेहनत करनी पड़ती है उसको बनाए रखने में। और जैसे एक उदाहरण ऐसा ले सकते हैं, जैसे हाइब्रिड कोई चीज आपने बनाई, कोई फल बनाया हाइब्रिड, या कोई पशु हाइब्रिड जो है तैयार किया, तो अब क्या होता है कि उसके वंश की स्थिरता नहीं होती है, वो अगर उसको आप छोड़ देंगे तो पुनः धीरे धीरे वो एक नेचुरल सिस्टम में ही जो है वो चला जाएगा। अब उसको वैसा बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत होती है। तो उसी प्रकार ये जो मॉडर्न सिस्टम है, ये सिस्टम चलता रहे उसके लिए बहुत सारा ऊर्जा जो है लगता है, और उस वजह से वो कॉम्प्लिकेटेड है, वो स्वयं स्फूर्त चल ही नहीं सकता है वो। जबकि जो जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है वो भी जटिल है, पर वो उसमें एक स्वयं स्फूर्तता है, उसको बाहर से नियंत्रित नहीं करना है, उसको बाहर से लगातार हमको एनर्जी सप्लाई नहीं करनी है उसको चलाए रखने के लिए। बात समझ में आती है कि अगर बाहर से इंटरवेंशन हो गए कॉम्प्लेक्स सिस्टम में, बाहर से अगर इंटरवेंशन एक तरह का होगा तो उसमें डिस्टरबेंस पैदा कर देगा, उसको अपने आप चलाने में कोई बाहर से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपने उसको इंटरफेयर करना शुरू किया उसमें तो वो फिर गड़बड़ हो जाता है। जैसे फॉरेस्ट को, जंगल को आप ले सकते हैं, जैसे हमारे मानव शरीर को आप ले सकते हैं, जैसे आप कुंभ मेला को ले सकते हैं कि वहां बहुत ज्यादा सरकार का अगर दखल होने लगे और हर चीज को रेगुलेट करने लगे तो वो धीरे 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 वो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे हमारे धर्मपाल जी वाले जो स्कूल सिस्टम उन्होंने खोज के निकाले, उसमें अगर बाहर से इंटरवेंशन होने लगे तो वो ध्वस्त होने लगे। क्योंकि उसमें वो भी है ना कि जो गुरुकुल सिस्टम है वो तो एक बहुत ही सहज चीज है कि एक आदमी है वो अपने परिवार के साथ रह रहा है और कुछ बच्चे जिनको वो शिक्षा ग्रहण करनी है वो उनके पास आ गए, वो भी खाने पीने लगे और सेवा करने लगे उसके साथ, वो उसको शिक्षा भी मिल रही है। अब उसमें जो शिक्षक है उसको किसी कहीं से सैलरी मिलेगी जिससे कि उसका घर चलेगा, या फिर उसका बाप बैठा हुआ है जिसको कि उसको रिपोर्ट करनी है, ऐसा तो नहीं है डंडा जो है। तो वही ये बड़ा फर्क है इस अर्थ में, ये जो मॉडर्न जो सिस्टम उसको कॉम्प्लिकेटेड कह रहे हैं कि वो कॉम्प्लिकेटेड ही है। और फैमिली सिस्टम भी, पारंपरिक फैमिली भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम, बिल्कुल, कुटुंब, जाति व्यवस्था, ग्राम व्यवस्था, ये जितनी व्यवस्थाएं हैं जिनकी अपने गुरुजी बहुत बात करते थे रविंद्र शर्मा, यजमानी व्यवस्था, ये सारे कॉम्प्लेक्स हैं। पर इसमें अगर बाहर का वातावरण इनके उनको वहां से ऊर्जा नहीं चाहिए, लेकिन उधर से एक तरह की इनको सपोर्ट चाहिए, यानी अलाइनमेंट चाहिए, इतना ही चाहिए। वो अगर अलाइनमेंट नहीं हट जाता है तो ये लोग ये इनमें गड़बड़ पैदा होने लगती है। बाहर का वातावरण अगर दूषित होने लगता है तो इसमें गड़बड़ होने लगती है। जैसे मंदिरों को ले लीजिए ना आप, इतने सारे मंदिर है वो कैसे चलते हैं,
अभी चलो अभी थोड़ा सरकार और इन सब ने उसमें हस्तक्षेप शुरू कर दिया, पर पहले तो लोगों की आस्था भी, कोई मंदिर में गया उसने कुछ पैसा दे दिया और नारियल चढ़ा दिए, इस ढंग से वो सिस्टम वो चल रहे थे एक सहज ढंग से। उसी तरह से खेती को हम देख सकते हैं कि एक ही तरह के जो है, आप गेहूं गेहूं ही लगा दिया या खाली चावल लगा दिया, अब थोड़ा सा छोड़िए तो वो और पौधे भी उसमें उगने लगते हैं, तो उसको उस रूप में बनाए रखने के लिए भी मेहनत लगती है कि बाकी जो आपको अनुपयोगी जो पौधे लगते हैं जिसको आप खरपतवार बोल देते हैं वो ना उगे। ये तुमने बहुत बढ़िया, मुझे याद आई इससे कि बहुत साल पुरानी बात है, यहाँ पे जहाँ पे मैं रहता हूँ ना मसूरी के आसपास के गांव में, और बारिश बहुत कम हुई थी और यहाँ की फसल बहुत अच्छी नहीं हुई थी उस साल, और मैं कोई काम से हमारे उस टाइम बहुत सारे ये बच्चे जो संजीवनी से निकल करके ये छोटे छोटे स्कूल इन्होंने कुमाऊं के अलग अलग गांवों में शुरू किए थे, तो ये बहुत दिनों से मुझे बुला रहे थे तो मैं इनको पास गया था ऐसे ही इनको स्कूल को देखने। वो इंटीरियर कुमाऊं का मतलब नैनीताल अल्मोड़ा नहीं, अंदर के इलाके में थे ये सब स्कूल, तो वहां जब गए, मैं पहली बार गया था उस इलाके में, तो हमने देखा कि वहां पे फसल ठीक ठाक थी, मतलब दिख जो दिख रहा था खेतों में। तो मैंने बोला यार हमारे यहाँ तो क्या फसल है ही नहीं, तुम लोग के यहाँ तो बहुत अच्छा चल रहा है, क्या बारिश ठीक ठाक हुई क्या? बोले नहीं साहब बारिश तो इस बार हुई नहीं। तो बोला फिर फसल ऐसे कैसे है? तो उन्होंने मुझे बताया कि हम तो बारह नाजा की खेती करते हैं, हम तो सात नाजा की खेती करते हैं, मतलब एक साथ बारह अनाज लगाते हैं, एक साथ सात अनाज लगाते हैं। उनका एक सिस्टम है कि ये लगाएंगे इसके साथ ये भी लगाएंगे वो भी लगाएंगे वो भी लगाएंगे वो भी लगाएंगे, और फिर उसका हमको ये तर्क ये दिया गया कि इसमें ये फायदा होता है कि कोई साल वाले ये जो सात या बारह अनाज लगाते हैं इसमें कई अनाज ऐसे हैं जो अगर खूब बारिश होगी तो भी वो सर्वाइव कर जाएंगे, और कुछ ऐसे अनाज हैं जो अगर बारिश बहुत कम होगी तो भी सर्वाइव कर जाएंगे, यानी उनका मिनिमम कभी इससे नीचे नहीं जाएगा, मतलब कोई ना कोई अनाज सरवाइव कर जाएगा कैसी भी कंडीशन में। तो ये जो है ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम का एक उदाहरण है कि ये जो मोनोकल्चर आया, चाहे वो फॉरेस्ट में आया हो चाहे वो खेती में आया हो, वो कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, माने वो बहुत फ्रेजाइल है, वो बहुत ब्रिटल है, बहुत उसको नाजुक है वो, और ये जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ये उस लिहाज से काफी सुदृढ़ है, इसमें बहुत नहीं होगा पर बहुत कम भी नहीं होगा, यानी वो जो गुरुजी क्या बोलते थे कि बहुत वो एक पूर्ण मदा पूर्ण मिदम का हमेशा देते थे कि भारतीय व्यवस्था जो है इस एक मंत्र के सिद्धांत पे बनी है कि बहुत ज्यादा हो तो भी वो दिखाई नहीं दे और बहुत कम हो तो भी हम संभाल लें, उसके लिए कुछ और बोलते थे वो, तो ये बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम के बीच में चलती है, पर मिनिमम नेवर गोज बिलो सर्टेन, मतलब वो सर्वाइवल से नीचे तो नहीं जाएगा, इस तरह का कुछ मामला। एक मिनट जरा, एक्चुअली इसको गोपी कृष्णा इसको डायनेमिक सिस्टम कहते हैं, और ये अच्छा कंपैरिजन है भेड़ वालों में और किसानों के बीच में। ये जो किसान लोग हैं ये तो चले गए हैं स्टैंडर्डाइज्ड खेती पे और इनकी दुर्गति हो गई है, लेकिन ये जो वॉन्डरिंग शेपर्ड है इसने अपना कॉम्प्लेक्सिटी बना के रखी है और इसलिए अभी तक बचा हुआ है ये, है ना, मतलब ये अपने शीप लेके घूमता है, और मतलब अगर बरसात किसी साल बहुत कम भी हुई है तभी भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, और किसी साल बहुत ज़्यादा बरसात भी हुई है तभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। कभी कभी इनकी बीमारी आती है भेड़ की और पूरा का पूरा इनका हर्ड एक रात में ख़त्म हो जाता है, ये उससे भी अपने आप को रिकवर कर लेते हैं बहुत सहज रूप से, और इनका जो पार्टनर है किसान वो अब इतना स्टैंडर्डाइज्ड खेती में चला गया है कि उसकी हर साल दुर्गति होती है चाहे रेनफॉल अच्छी क्यों ना हो, है ना। और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जहाँ पिछले 20-25 साल में किसानों ने आत्महत्या करी है लाखों में, वहाँ भेड़ वालों की आत्महत्या की कोई खबर नहीं आती, जबकि उनका जीना इतना कॉम्प्लेक्स है, कहीं एक जगह ठहरते नहीं है, हर रोज मूव करते हैं,
है ना, सीजन टू सीजन मूव करते रहते हैं। तो अगर शायद ये सोचना चाहिए हमको कि ये जो कंपैरिजन हम कर सकते हैं आधुनिक खेती में क्या हुआ है और जो भेड़ वाले हैं इन्होंने इतना जो घूमना चालू रखा है उससे कैसे बचे रह गए ये लोग, वो कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल करने की जो कैपेसिटी है वो इनकी बनी हुई है अभी तक, जिसको ये गोपी कृष्णा डायनेमिक या रियल टाइम सिस्टम कहते हैं। और इसका अगर हम शिक्षा में देखें इसको, तो हम जो कहते हैं कि लर्निंग इज नेचुरल, तो विच मीन्स लर्निंग इज कॉम्प्लेक्स, लर्निंग इज ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम। यहाँ पे भी हम, हमारी एक गलतफहमी होती है कि हम ये नथिंग कैन बी टॉट, जो वो है कि आप आपके पढ़ाने से कोई पढ़ता नहीं है, क्योंकि नेचुरल सिस्टम तो हम चलाते नहीं है ना, हमारे कंट्रोल में नहीं है। उसी तरीके से लर्निंग भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये अगर बात समझ में आ जाए तो ये बहुत कुछ हट जाएगा, क्योंकि हम तो हमारी जो करंट हमारा जो ये चल रहा है जो शिक्षा व्यवस्था जो है वो कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, जिसमें हमको हमको लगता है कि हम उसको संभाल सकते हैं या उसको समझ सकते हैं या उसमें सीख, मतलब हम ट्रेनिंग करके लोगों को तैयार कर सकते हैं कि जो सिखा सकते हैं लोगों को ना, बिकॉज वी थिंक इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम। बट इफ आवर फंडामेंटल असम्पशन इज लर्निंग इज नेचुरल, देन वी विल नॉट गेट कॉट इन दिस कि हम टीचरों को ट्रेन करके शिक्षा व्यवस्था को ठीक कर देंगे। इस गलतफहमी में पड़ेंगे नहीं हम लोग फिर तो। ये मुझे लगता है आप लोग जो भी बात चल रही है उसका एक्सटेंशन शायद यहीं पर है शिक्षा में। नहीं, उसको थोड़ा सा और खोलने की जरूरत है, क्योंकि देखो जो अपने मतलब अगेन इफ यू गो बैक प्री मैकॉलियन डेज, यू नो, तो उसमें ऐसा नहीं है कि स्कूल नहीं थे, ऐसा नहीं है कि उसमें पढ़ाया नहीं जा रहा है, उसमें भी भाषा पढ़ाई जा रही है, गणित पढ़ाया जा रहा है और कई तरह के सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जा रहे हैं, ज्योतिष पढ़ाया जा रहा है कहीं कहीं, खगोल शास्त्र पढ़ाया जा रहा है, कई तरह की चीजें पढ़ाई जा रही है, व्याकरण पढ़ाया जा रहा है। लेकिन उसमें एक चीज जो आज के स्कूल और उस स्कूल में फर्क है वो ये कि समाज और स्कूल का एक रूपता है, समरसता है, दे आर नॉट एलियनेटेड। नंबर वन, स्कूल इज नॉट लाइक अ कंप्लीटली सेपरेट एंटिटी जहां सब कुछ एकदम अलग हो रहा है और घर एकदम अलग है, जो गांधी जी बाद में बोलते हैं कि हमारे स्कूल और गांव के घर के बीच की दूरी बढ़ गई है, तो ये दूरी नहीं है वहां पे, एक तो ये बात है। दूसरा क्या है कि वो बच्चा कोई ना कोई वोकेशन, उसके पिताजी कोई ना कोई क्राफ्ट, कोई ना कोई धंधा उसके पिताजी कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया इज अ सेल्फ एम्प्लॉयड सोसाइटी, ये एम्प्लॉयमेंट वाली जॉब वाली सोसाइटी नहीं है, सब लोग अपना अपना धंधा कर रहे हैं और वो धंधा घर में हो रहा है, मतलब लोहार, बढ़ई, कुम्हार, सब अपने घर में ही धंधा कर रहे हैं। और जो कारीगर समाज नहीं है, कृषक समाज है, या जो ये श्रेष्ठी वर्ग है जो व्यापार कर रहा है, उसका भी व्यापार या कृषि घर और उसमें फर्क नहीं है, मतलब ऑफिस अलग घर अलग ये वाला सिस्टम नहीं है, घर में ही हो रहा है जो कुछ हो रहा है। तो बच्चा जो है वो घर में रहते हुए बहुत कुछ ऑब्जर्व कर रहा है, उसको एक वातावरण मिल रहा है, मतलब उसका जो एटमॉस्फेयर है जिससे वो सराउंडेड है उसमें वो सब चीजें हो रही है जो वो इम्बाइब कर रहा है अनकॉन्शियसली, अपने आप ही सीख रहा है वो। आज भी ये बात होता है कि जिन घरों में कोई एक खास धंधे के लोग होते हैं, अगर कोई माँ बाप दोनों प्रोफेसर हैं और पढ़ा रहे हैं और दिन भर वही बातें हो रही हैं, तो बच्चे को एक तरह की वो ट्रेनिंग मिल जाती है बिना समझाए कि कैसे आर्गुमेंट करना है, कैसे प्रेजेंटेशन करना है, कैसे चीजों को देखना है। ये आज भी होता है टू अ लेसर एक्सटेंट। या व्यापारी के घर का बच्चा कुछ हद तक वो समझ, एक इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग वो डेवलप कर लेता है अबाउट यू नो द मनी एक्सचेंज, साइकोलॉजी ऑफ पीपल एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये जो है घर का जो वातावरण होता है वो फार मोर एनरिचिंग वातावरण था उस जमाने का, और बच्चा उसमें और स्कूल के वातावरण में बहुत ज्यादा फासला नहीं देखता है। आज का जो घर का वातावरण है वो थोड़ा कृत्रिम सा है, जैसे डॉक्टर का घर और डॉक्टर का चेम्बर या डॉक्टर का हॉस्पिटल, ये दो अलग अलग चीजें हैं।
या प्रोफेसर का घर और प्रोफेसर की एकेडमी, ये दो अलग अलग चीजें हैं। वैसे ही व्यापारी का भी है, वैसे ही इंडस्ट्रियलिस्ट का भी है। तो ये जो अलग अलग हो गया, इसलिए घर एक तरह से स्टैंडर्डाइज हो गया है, सारे के घरों में एक ही तरह का, जस्ट डिपेंड्स ऑन योर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। अगर आप रिच क्लास के हैं तो आप डॉक्टर हो कि व्यापारी हो, आपका घर एक ही जैसा होगा। आप अगर थोड़े मध्यम वर्ग के हैं तो भी आप डॉक्टर हैं और आप व्यापारी हैं तो आपका घर का रहन सहन एक ही प्रकार का होगा। घर का रहन सहन का स्टैंडर्डाइजेशन हो गया। मुझे लगता है कि प्री मैकॉलियन डेज में कुम्हार का घर अलग होगा, व्यापारी का घर अलग होगा, और सुनार का घर अलग होगा, और कृषक का घर अलग होगा। और वो घर से उस बच्चे को बहुत कुछ मिल रहा है। आज के दिन घर से क्या मिल रहा है बच्चे को, सिवाय कुछ इंफॉर्मेशन के या कुछ बेकार के संस्कार के, अनलेस की कोई बहुत ही अवेयर माँ बाप हो बहुत अच्छे। आमतौर पे तो वही मिल रहा है ना कि उसको लगता है कि हिपोक्रेसी मिल रही है कि पिताजी और माँ दोनों दिन भर झूठ बोलते हैं, ये मिल रहा है, या नाटक करते हैं, ये मिलता है। तो वो जो दूसरा तरह का एटमॉस्फेयर है, जो उसको जो सेपरेट हो गया है घर से, वो ऑफिस में चला गया है, वो वर्क प्लेस में चला गया है। वर्क प्लेस का और घर का सेपरेशन की वजह से द मॉडर्न चाइल्ड इज डिवॉइड ऑफ दैट व्हिच ही वाज गेटिंग अर्लियर, यू नो, दिस आल्सो हैज हैपेंड। सो देयरफॉर यू नो दीज देयर मेनी। अभी तुम बोल रहे हो तो मुझे लगता है ऐसा स्कूल होना चाहिए जिसमें कि प्रॉबेबली जिसमें बहुत तरह की गतिविधियां एक साथ हो रही, खाली सब्जेक्ट टीचिंग नहीं, यानी कुछ इनकम जनरेशन के प्रोग्राम हो रहे हो, कुछ खेल कूद हो रहा हो, और वो बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा हो ना कर रहा हो पर देख रहा है, इज गेटिंग एक्सपोज टू दैट, यू नो, वो देख तो रहा है कम से कम। आई डोंट नो, मैं खाली मतलब आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा करना चाहिए, पर मुझे ऐसा ऐसे ही मैं लाउड थिंकिंग कर रहा हूँ कि मान लो हम क्लास में बैठे, हम स्कूल में गए और स्कूल में एक कोई उद्योग भी चल रहा है, या स्कूल में खेती भी हो रही है, और सीरियस खेती हो रही है, दिखावे वाली नहीं, बच्चों के लिए नहीं, मतलब हो रही है, उसमें बच्चे पार्टिसिपेट करें तो बहुत अच्छा है, नहीं करें तो भी वो खेती हो रही है। उद्योग चल रहा है, बच्चे पार्टिसिपेट करें तो ठीक है, नहीं तो भी वो चल रहा है, वो बच्चों के चलने से ही वो चलेगा, ऐसा नहीं है, वो सीरियस मतलब वो मामला सीरियस है, और उससे बच्चे खाली एक्सपोज हो रहे हैं। तो परहैप्स यू नो वी विल बिल्ड समथिंग लाइक दैट, जहाँ पे कुछ जैसे अपनी वर्कशॉप्स चलती हैं, अभी हम पूर्ण प्रमति गए थे, मान लो ये चल रहा है और बच्चे की क्लास भी चल रही है साथ साथ में, तो उसका जो कुछ ना कुछ असर ओवर लॉन्ग टर्म बच्चों पे होगा, ऐसा आई थिंक। जो घर में नहीं मिल पा रहा है बच्चे को आज के जमाने में, उसको कुछ हद तक स्कूल फिलफिल करे, उस चीज को उस तरह का एटमोसफियर प्रोवाइड करे। हाँ नहीं, इसमें अच्छी बात यह है कि पुराना जो धर्मपाल जी जिस स्कूल की बात करते थे, वो शायद कॉम्प्लेक्स सिस्टम के तरफ था, या कॉम्प्लेक्स सिस्टम ही था। आज का जो सिस्टम है वो कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि उसमें सब कुछ ही आप लेसन प्लान बना के चला रहे हो आप, है ना। आपको लग रहा है कि सब कुछ ही आप बिल्कुल कट टू कट करके सब कुछ एक्सेल फाइल से चला रहे हो आप। स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं ना आजकल, सॉफ्टवेयर बड़े सैप टाइप, मतलब कि बिल्कुल सब कुछ ही आप उसके अंदर मैनेज कर रहे हो, लाइक ए लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। सो इट इज अ ऑर्गेनाइजेशन मोर देन अ लर्निंग प्लेस आज के डेट पे। द गुड न्यूज इज दैट इट्स पॉसिबल टू हैव लर्निंग प्लेसेस आल्सो बिकॉज वी हैव अ हिस्ट्री ऑफ दैट, यहाँ पे थे इस तरह के स्कूल्स। तो आई थिंक वी कैन ट्राई टू इमेजिन वॉट दे विल लुक लाइक, इन द सेंस दैट maybe it's not possible to go from where we are today towards a complex school, but we can reimagine the school and we can say ki ye jo chal raha hai usme se hatke kuch hum naya kar sakte hain, you know, that's a possibility which we can explore. So movement towards a natural learning environment is possible. Environment is possible. Yeah, environment is possible. Environment is something to be paid attention to. This is what I feel. You know, right. Environment is far bigger impact on anyone than anything else. Right. ये जो हम सोच के जो करते हैं उसका जो असर होता है उससे कहीं ज्यादा असर होता है environment का, ऐसा मुझे लगता है। तो environment creation पे कुछ काम शायद किया जा सकता है। तो देखिए तथ्य है साहब कि
अभी स्कूलों से बच्चा सार्थक तो कुछ सीखता नहीं है और तमाम तरह की बुराइयां जो है वो स्कूल से लेके आता है। जैसे आपका भतीजा इसका एक उदाहरण है, ऐसे तमाम जो है चीजें। अब जैसे अरुण जी इस बारे में थोड़ा प्रकाश डाल सकते हैं कि इनके बच्चे स्कूल नहीं गए तो वो बहुत तरह की जो है बुराइयों से बच गए, क्या कहते हैं अरुण जी आप इस बारे में? नहीं नहीं, बच्चे कहाँ पे हैं, वो स्कूल नहीं जाने से बचते तो नहीं है, वो मौका मिलता है सबको, कोशिश मतलब एक्सपेरिमेंट करने का मौका तो सबको ही मिलता है, हमारे बच्चों ने भी किया ही है एक्सपेरिमेंट। ये है कि जिस माहौल में बड़े हुए हैं वो बात कर सकते हैं मेरे से किसी भी चीज़ के बारे में, या मैं पूछ सकता हूँ और वो बोलेंगे, और मुझे इसको लेके कुछ परेशानी भी नहीं है कि जो भी करना होता है बच्चों को 20 साल की उम्र में वो कर रहे हैं तो करेंगे, और क्या, ये थोड़ी कि स्कूल नहीं गए तो नहीं करेंगे या नहीं जानते होंगे सब। नहीं, ऐसा सब नहीं होता है, हम लोग अपना कर सकते हैं, उनके क्या असर होगा कोई, उस तो थोड़ी ना ऐसा ही होगा। लेकिन ये बात हम आप लोग को कैसी लगती है? मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट एनवायरमेंट क्रिएशन है। ये जितने तुम्हारे उद्भव पूर्ण प्रमति है, ये लोग इस पे ध्यान देते हैं कि कंटेंट और सिलेबस और टीचर और एक्टिविटी और ये ठीक है अपनी जगह है, लेकिन जो आप उस वातावरण देंगे उनको उस पे थोड़ा काम होना चाहिए। सही है। और ये वातावरण के नाम पे नेचर तक जो सीमित हो जाता है ना, वो नहीं है। मैं तो कुछ और सोचता हूँ कि भाई उधर 50 तरह के काम हो वहां पे। सही, बिल्कुल, बहुत बढ़िया होगा। काम मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ चिल्ड्रन हो, उसमें बच्चे भागीदारी करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसपे वो उसपे निर्भरता नहीं। तीन चीजों को इंश्योर करना चाहिए, एक है सेवा, दूसरा है श्रम, तीसरा है आज्ञा पालन। ये तीन तो होना ही चाहिए और उसके साथ विद्वता। तो अभी ये चारों चारों ही मिसिंग है, न घर में है और ना जो स्कूल में है। फिर से बोलो। एक तो है सेवा, कि भाई बड़े बुजुर्गों की, क्योंकि आप भी बूढ़े हो गए, आपको भी सेवा लगेगी एक दिन, तो भाई आपको सेवा का भी जो है अभ्यास होना चाहिए। दूसरा है श्रम, श्रम मतलब प्रोडक्शन आपको आना चाहिए करना। तीसरा है आज्ञा पालन, कि अगर आपके बड़े बुजुर्ग कुछ कह रहे हैं तो भाई आप उसको ध्यान से सुनिए। और चौथा है विद्वता। माने विद्वता मतलब पढ़ना लिखना और आपका दृष्टिकोण विकसित हो, विज्ञान गणित सब जो है। तो अगर मतलब ये हो जाए, अगर इसको इंश्योर कर पाए तो बहुत बड़ा काम हो सकता है, जो कि अभी एकदम मिसिंग है। सेवा बात तो अब खत्म ही हो गया, श्रम तो भाई जिसके पास कोई विकल्प नहीं है, एकदम मरा गिरा आदमी है वही करता है। और माँ बाप भी जो है बच्चों को बचपन से ही जो है ये सिखाते हैं कि देखो अगर तुम नहीं पढ़ोगे, नहीं कम्पीट करोगे, तो फिर तुमको भी देखो देख ही रहे हो श्रम करना पड़ेगा। तो श्रम करना जो है कोई बहुत ही निकृष्ट चीज है, और जबकि सच्चाई यह है कि श्रम और मनुष्य जो है अविभाज्य है। तो श्रम को मनुष्य से अलग करके देखना ही अपराध है। आदमी होगा तो श्रम करेगा ही, तो उसको उस ढंग से जो है स्वीकारना पड़ेगा। फिर उसके बाद विद्वता में आते हैं, तो साहब विद्वता में भी अभी पूरा जो जो मॉडर्न कंटेंट है, इवन IIT और तमाम भी जो है मुझे लगता है कि उसमें बहुत कोई बहुत विशेष विद्वता नहीं है। जिस सोफिस्टिकेशन के साथ पहले हमारे यहाँ विद्वान होते थे, जैसे बहुत से उदाहरण आपने खुद देखे होंगे कि कई बड़े लोग ऐसे हुए जिन्होंने अपने पिता से संस्कृत सीखा, क्योंकि उनके पिताजी संस्कृत के विद्वान थे, है ना। जैसे बाबा नागराज जी को ले लें, तो बाबा नागराज जी ने ज्योतिष और आयुर्वेद अपनी माँ से सीखा,
और वही वातावरण था ना वहां पे। हाँ, माँ के साथ जाते थे, वो वातावरण था, वो तो वही मैं कह रहा हूँ कि अब वातावरण मिसिंग है ना। मतलब माँ ने जबरदस्ती तो नहीं सिखाया, वो उनका इंटरेस्ट आया, वो उनके साथ हो लिए, वो उपलब्ध था उनको, और वो अपॉर्चुनिटी थी, अवसर था, क्योंकि वो था वहां पे। तो यही है ना, हम लोग अब हमारे अब बच्चों के पास अवसर कहाँ है। मतलब उसको कोई चीज में इंटरेस्ट है तो वो म्यूजिक सीखने जाएगा, डांस सीखने जाएगा, ये करने जाएगा, वो करने जाएगा, लेकिन जहां वो है आइदर घर या स्कूल, वहां पे तो वो फिक्स्ड है, यही चीज है, इसके अलावा कुछ है, घर में तो कुछ रहा ही नहीं सिवाय टीवी के, कुछ नहीं रहा ना। तो स्कूल में जो सब्जेक्ट टीचिंग है बस उधर तक है, थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर के नाम पे, पर वातावरण नहीं है। मतलब कोई नागराज जी की माता जी कोई क्लास थोड़ी ना लगाती थी, नहीं तो नहीं वो सहज काम था, तो बैठ गए, उनको भी सिखा दिया। नहीं, और अभी भी ये छोटे बच्चों को आप ऑब्जर्व करिए ना, तो आप घर के अंदर ही जैसे कुछ कुछ शुरू कर, अचार ही आप बनाना घर के लिए, है तो वो खुद ही उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, उनको अच्छा लगता है वो चीज, खुशी खुशी जो है। लेकिन दिक्कत है कि आप कहेंगे कि यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ पढ़ो। वो भी, और देखो क्या है कि यही बात, अगर ज्वाइंट फैमिली है तो ज्वाइंट फैमिली में 10 सदस्य है तो 10 सदस्य अलग अलग अपना अपना कुछ है ना, तो सब बसों एक जैसे तो नहीं है। तो बच्चे का जिसके साथ मन लगता है उसकी उसके किसी का कहानी सुनने चला जाता है, किसी का कुछ और बात करने चले, उसके पास वो अपॉर्चुनिटी है कि वो जो जहां उसका मन लगे वहां वो चला जाए। इससे जैसे मतलब जो 10 लोग 10 तरह की बात करते हैं तो उसके पास चॉइस है कि भाई इसके पास जाऊं कि उसके पास जाऊं कि उसके पास जाऊं, ये बहुत बड़ा है। ये तो मैंने अपने बच्चे में देखा है कि ये हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हम लोगों के पास थी जो कि आज के हमारे बच्चों के पास नहीं रही है उस तरह की अपॉर्चुनिटी। ओनली थिंग फर्क मेरे 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 अपने बच्चों के लिए ये था कि हमारे यहाँ तरह तरह के भांति भांति के लोग जरूर आते थे, नागराज जी से लेके, रण सिंह आर्या से लेके, और हर तरह के लोग। तो उसमें क्या है, वो जो चर्चाएं होती थी उससे उनको वो वातावरण जरूर मिला कि वो एक्सपोज थे, वो बैठते थे आके, हमेशा ऐसा कोई जरूरी नहीं है मन पर, वो उपलब्ध है, आपको बैठना है तो आप बैठ जाइए, आपको सुनना है तो आप सुन लीजिए, कुछ कान में पड़ भी जाता है उस तरह, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं था। आमतौर पर तो इतना भी नहीं होता। हर्ष कुछ आप कह रहे थे, कंटिन्यू करिए। नहीं, मैं कहता कि जॉइंट फैमिली का ही एक कॉम्प्लीमेंट ये भी है, या सप्लीमेंट ये भी है कि लार्ज फैमिली होनी चाहिए। अभी तो हमारी जनरेशन एक बच्चा करती है और वो एक बच्चा एक प्रोजेक्ट बन जाता है ना, वो उसको सब कुछ, अगर तीन चार पांच बच्चे हों तो फिर वो आजकल की फैमिली में ऑब्सेशन है बच्चा भैया, कई लोगों के लिए तो पता नहीं उसको क्या बना के छोड़ेंगे। एक मेरा दोस्त है, उसने अभी अपनी बेटी का एडमिशन कराया स्कूल में, उसकी बेटी 3.5 साल की है, 4 साल की हो गई अभी मार्च में, तो स्कूल में एडमिशन कराया नोएडा में, तो मुझसे बात कर रहा था कि भाई मैंने 2-3 स्कूल सेलेक्ट करे हैं, कौन सा अच्छा है। तो वो अभी से देख रहा है कि इसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम आईआईटी आईआईटी में स्कूलों में क्या हो रहा है, मतलब वो बच्ची अभी स्कूल गई 3.5 साल की बच्ची है, और वो मतलब ये एक तरह का घबराहट है ना अभी से कि इसका करियर का क्या होगा। सोचा था कि इसका एक बच्चे इसलिए ऐसा 3-4 बच्चे होते तो तब तक ये नॉर्मलाइज हो जाता, जो भी होगा होगा ठीक है। ये हम सबका एक मतलब जॉइंट फैमिली तो है ही, लेकिन ये छोटी फैमिली जो हो गई है ना, 2 हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा, और वो जॉइंट फैमिली जो छोटी फैमिली और जो माँ बाप है वो नौकरी पेशा है, ये और भी बड़ी बात, ये और भी गड़बड़ है। वो तो जो नौकरी पेशा है वो उतना ही असुरक्षित है, वो असुरक्षा को उस पर थोप देता है बच्चे के ऊपर, वो कभी भी ये नहीं बोलेगा अरे यार क्यों चिंता करते हो जाएगा ना जो होगा,
वो तो हमेशा ही बोलेगा यार देखो क्या कर रहे हो, नहीं तो साले तुम मरोगे। यही भाव उसको जाता है। हम मतलब हम सच्ची हम बता रहे हैं, हमारे और अनुराधा में एक बेसिक फर्क है। अनुराधा फार मोर इनसिक्योर है मेरे से। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, वो मैं अपने को क्रेडिट नहीं दे रहा हूँ, खाली इसलिए क्योंकि उनके माँ बाप नौकरी पेशा थे, मेरे नहीं थे। मैं तो इसी यही देख पाता हूँ, बस एक फर्क, बहुत बड़ा फर्क है ये। और अब तो सभी नौकरी करना चाहते हैं, जिसको देखो उसको। कारीगर समाज के बच्चे नौकरी करना चाहते हैं, व्यापारियों के बच्चे, इंडस्ट्रियलिस्ट के बच्चे भी नौकरी करना चाहते हैं, किसानों के बच्चे भी नौकरी करना चाहते हैं। और इसमें एक मुझे लगता है ना कि एक बड़े गूढ़ चीज है कि जैसे जब आप कोई अपना काम करते, जैसे धंधा पानी ही आप करते हैं, बिजनेस करते हैं या खेती करते हैं, तो उसमें एक अनिश्चितता है। तो और उस अनिश्चितता को स्वीकारते हुए आप उसको डील करते हैं, आपके अंदर साहस पैदा होता है, साहस तभी आप उसको कर पाते हो। सुरक्षा की भाव कम होता है। हाँ, आपको ये पता चल जाता है ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, काम चल जाएगा। हाँ,